एजुकेशन वो है जो आपके रवैयों से नजर आती है, वो है एजुकेशन। एक है क्वालिफिकेशन, एक है एजुकेशन। आपने एजुकेट करना है अपने आप को। इंस्टीट्यूशन के अंदर रहते हुए आप बहुत सारे आते हैं, आपने वो गाना सुना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, वो कोरे आते हैं, कोरे चले जाते हैं, पीस ऑफ पेपर लेते हैं जिसके ऊपर इंटरमीडिएट BA MA लिखा होता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता, करेक्टर नहीं होता, वैल्यूज नहीं होती, वो उनके रवैयों से रिफ्लेक्ट नहीं होता। वो उसी तरह रूढ़ होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हमसायों के साथ, ठीक है, धीरे फिल्म मेकिंग किसी ने होता है कहता अभी तेन 100 तोले सोना पाया तू सू वक्त पाता है। सो हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन पे वक्त डाल रही है, तो क्यों रवैये चेंज नहीं हो रहे? एजुकेशन इज अ कॉमन एंड पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। आपने ज़्यादा बहादुर बनना है, आपने ज़्यादा आजिज़ी आनी चाहिए, इंसाफ़ी आनी चाहिए, बड़ों का एहतराम आना चाहिए, छोटों से प्यार आना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और लचक आनी चाहिए। तो ये एजुकेशन का मकसद है, ताकि आप एक प्रोडक्टिव सिटीजन के तौर पर बन सकें। और आपका मकसद आपकी अपनी ज़ात नहीं होनी चाहिए, सेल्फिश नहीं होना आपको, आपने सेल्फलेस होना है और अपनी ज़ात के को इग्नोर भी नहीं करना। देखिए मैं बहुत सारे ये बच्चियों को देख रहा हूँ, अगर इनका होमोग्लोबिन हमने यूनिवर्सिटी के अंदर चेक करवाया, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो 50% से ज़्यादा का HP कम था, और तालीम का पहला मकसद ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है। एक काम आपने ये करना है, 200 का टेस्ट आता है अपना HP चेक कर लो, होमोग्लोबिन उसको कहते हैं, मेरा ब्लड कम्प्लीट टेस्ट करते हैं, उसे आपको पता चल जाएगा, मुझे फेसिस से लग रहा है इसमें से 70% बच्चियाँ हैं जिनमें ब्लड डेफिशिएंसी।